इस बीच जो है म्यूचुअल फंड स्कीमों की बिक्री बढ़ाने को लेकर के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोनस या दूसरे लाभ देने के लिए कई फंड हाउसेस सेबी के रडार पर हैं। इस सिलसिले में सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एमफी को भी लिखा है और कहा है कि फंड हाउसेस की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस तरह के लाभ देने पर रोक लगाई जाए। बीते 10 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सेबी ने फंड हाउसेस के इस तरह के काम को लेकर के आपत्ति जताई है। सर, आखिर में सेबी को इसमें गलत नजर क्या आ रहा है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर सेबी और एमफी के बीच में खींचतान लगातार जारी है। पिछले एक साल से अगर आप लगातार देख रहे हो, सेबी ने पूरा एक नई व्यवस्था ही लाने की बात कही थी, फिर उस व्यवस्था में जो नया प्रस्ताव किया गया था उसे वापस ले लिया गया था। सेबी ऐसा मान रहा है, सेबी के अपनी व्यवस्थाओं के तहत, कि डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो बोनस और बाकी कई तरीके के लाभ दिए जाते हैं उनके असर से वो प्रोडक्ट्स की मिससेलिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की मिससेलिंग करते हैं। भारत में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिससेलिंग एक बड़ी समस्या है और हर तरह से, चाहे वो इंश्योरेंस में हो या हेल्थ इंश्योरेंस में हो, म्यूचुअल फंड में भी हो। हमने भी लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में बातचीत करते हुए पाया है कि कई जगह भी म्यूचुअल फंड्स को इस बात की चुनौती आती है कि किसी स्कीम को पुश करना चाहते हैं और उनकी कोई दूसरी स्कीम बेच दी जाती है। ऐसा माना जा रहा है, सेबी ऐसा मान रहा है कि म्यूचुअल फंड उद्योग इस व्यवस्था के तहत अतिरिक्त लाभ देकर या अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर सही स्कीमों की बिक्री को बढ़ावा नहीं देते हैं। मामला म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की बॉडी और रेगुलेटर के बीच में है, पर यह बहस दिलचस्प है और अभी तक सेबी, हमें लगता है कि एमफी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हो पाई है इस मामले में।